हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कल के दिन 20 जुलाई को 20 जुलाई को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड हमें क्या टारगेट दिखा सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे ये बहुत ही नीचे से आया है। ये वन वे रैली किया है, वन वे रैली करने के बाद लगातार यहाँ पे 12 तारीख से ही, ठीक है, मतलब 5-6 दिनों से यहाँ पे ये साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तो ये इसी रेंज में बना है। इसका रेंज बहुत ही नैरो है, 3950 से लेके यहाँ पे 3850 का 100 रुपये का इसने रेंज बना रखा है, और ऊपर वाली लेवल को टच करके फिर से यहाँ से नीचे गिरने की फिर आप में है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, और अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर गया है, ये इसका फ्लैग बन रहा है। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम लोग को एक अच्छा रैली देखने को दे सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो नीचे इसने जो लो लगाया है 3850 का, इसको एक बार ये रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर हो सकता है ये इसी रेंज में फंस जाए या फिर ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि पीछे का सिनेरियो क्या था, बुलिश था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हम लोग के लिए पैटर्न बन के अभी रेडी है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न में है और ये पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक चैनल नजर आएगा, ठीक है। ये चैनल में नीचे वाले पड़ाव में है, मतलब नीचे वाले ट्रेंड के पास है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे 39868 तक का टारगेट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर चैनल डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे। और यहाँ पे नीचे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये आज की ओपनिंग कैंडल थी, अगर इसके नीचे निकलता है तो ये फिर और नीचे आ जाएगा। और ये इस बार ये जो हमारे यहाँ पे लेवल है 385075, इसको एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो कल के दिन यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कल के दिन के टारगेट के लिए अगर बात करें तो कल के दिन अगर ये नीचे की ओर इस कैंडल का लो अगर हम लोग देखें तो 3911 है, ठीक है। तो 3910 को अगर कल के दिन ये ब्रेक करता है तो हम लोग को एक नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल सकता है। और गिरावट कितना होगा, पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए इस कैंडल का लो 3895 का होना चाहिए, एंड जो सेकंड टारगेट हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए इस कैंडल का लो कितना है 3885, ठीक है। हमारे पास नीचे दो टारगेट होने चाहिए कल के दिन। ये अगर 3910 को ब्रेक करेगा तो 3895, 3885, ठीक है। अगर ऊपर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर अभी मुझे लग रहा है एक बार जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगर ये इस कैंडल का हाई है यहाँ पे 394142, ओके। तो अगर ये कल के दिन 3943 को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, 3943 को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस कैंडल का हाई, और ये है 3950 का, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकंड टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 3959 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टारगेट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये फ्लैट ओपन होना चाहिए, ठीक है। इसी रेंज में कहीं ओपन होना चाहिए, जो कैंडल बना है इसके बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है और किसी और भी ये ब्रेक करता है तो हम लोग को अच्छा टारगेट देके जाने वाला है कल के दिन, ठीक है। याद रखें अगर ये नीचे की ओर गिरता है तो हो सकता है इसी लेवल से ये फिर से यू टर्न ले लेगा या थोड़ा नीचे से जाके यू टर्न ले लेगा, ठीक है। या फिर ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस है ये थोड़ा तेजी से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।